चैत्र रामनवमी व देवी आराधना के महापर्व नवरात्रि के मद्देनजर महानगर के मंदिर पूरी तरह से सजकर तैयार हैं, जिसके संबंध में गोलघर काली मंदिर की पुजारी की पुत्री विजय लक्ष्मी सैनी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मंदिरों में एक बार में 5 श्रद्धालुओं को ही दर्शन कराया जाएगा तथा सुबह 6 बजे ही मंदिर खुलेगा। सोशल डिस्टेंस के साथ एक बार में 5 श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए अंदर जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर रखा गया है, सभी श्रद्धालु सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही मंदिर में जाएंगे। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी की पुत्री लक्ष्मी सैनी और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, विजयलक्ष्मी सैनी यहाँ हम पुजारी की लड़की हैं। फिर है मंदिर 6 बजे तक खुल जाएगा, जैसे कि 9 से 6 तक लॉकडाउन लगा है तो इसलिए 6 बजे मंदिर खुलेगा। 6:30 बजे तक यहाँ की आरती होगी और बाहर सैनिटाइजर रखा रहेगा। सैनिटाइजर यूज़ करते हुए 5-5 लोग मंदिर के अंदर आएंगे। रामनवमी भी है, इसके लिए क्या था? इसके लिए रामनवमी के लिए बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था है और बिना मास्क के प्रवेश नहीं है अंदर। और 5-5 लोग आएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे और फिर उधर से निकल जाएंगे। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं, यहाँ से कुशीनगर, बहुत दूर कलकत्ता से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से। माना जाता है बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। आज से कई साल पहले यहाँ पे जो छोटी सी माता जी हैं वहाँ पहले निकली थी, फिर इनकी बड़ी मूर्ति बनाई गई, स्थापना हुई। कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, मैंने पूरे मंदिरों पर जो हमारे पूजा स्थल है उस पर सफाई की हमारे नगर निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और उन स्थानों पर हम सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव भी करा रहे हैं, जहाँ पर लोग पूजा वूजा करने के लिए आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, वहाँ जाने पर कोई इन्फेक्शन का खतरा ना रहे, इस पर नगर निगम पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं अपने तरफ से, नगर निगम के तरफ से सभी से आग्रह करूँगा कि सरकार का जो निर्देश है कोरोना से बचने का, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, हाथों को साफ रखना, इसका पूरी तरह से पालन करके आप अपना जीवन बचा सकते हैं, अपने परिवार का जीवन बचा सकते हैं और अपने स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमें इस नवरात्रि पर पहल करनी चाहिए। और कोरोना का टीका जिन लोगों ने अभी तक नहीं आता है, 45 से ऊपर वाले लोग, सभी लोग लगवाएं टीका। हमारे पास पर्याप्त टीका है। ये एक अच्छा संदेश जाएगा इस नवरात्रि पर कि गोरखपुर टीकाकरण में अव्वल रहे। यहाँ पर लोगों ने कराया है, हमने CMO से बात किया है, हमारे पास पर्याप्त टीका है, 50,000 लोगों को देने का स्टॉक है, 50,000 कल आ जाएगा, टीका की कोई कमी नहीं है। और 11 से 14 तक ये अभियान जोर शोर से चलेगा, विशेष अभियान के रूप में चलेगा, इसका लाभ सभी जनता उठाएं। यही नवरात्रि पर मेरा सार्वासियों को संदेश है।